सीमा पर सुरक्षा बलों ने कैसे चालबाज चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। लद्दाख बॉर्डर पर फिर ड्रैगन बेनकाब हुआ। भारतीय जवानों ने कैसे घुसपैठ की साजिश रच रहे चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला। ड्रैगन के दुस्साहस का पल पल का हिसाब आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर तनाव की सभी बड़ी खबरें, टॉप 9 बॉर्डर पर टेंशन। सोमवार को हुई झड़प से पहले भी चीनी सेना कई बार घुसपैठ कर चुकी है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर चौकन्ने सुरक्षा बलों ने चीनी सैनिकों की साजिशों को नाकाम कर दिया। 31 अगस्त को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की हुई बातचीत में भारत ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। 29 अगस्त को सेना ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर खदेड़ दिया। खदेड़े जाने से बौखलाए चीनी सैनिकों ने भी फायरिंग की, लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया। 29-30 जून से पहले चीनी सैनिकों ने 15 जून को गलवान घाटी से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने पर चीनी बौखला गए और भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन में तनाव के बीच पीएम मोदी ने भी 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया और चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल जवानों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि आपने चीन को सही जवाब दिया है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आपकी बहादुरी और जो खून आपने बहाया वो हमारे युवाओं और देशवासियों के लिए कई पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा। 12 मई को भी चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायुसेना में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर तैनात वायुसेना के सुखोई विमानों ने चीनी हेलीकॉप्टरों के मंसूबों को परख लिया और उन्हें सीमा के बाहर खदेड़ कर भगा दिया। 18 मई को चीनी सैनिकों ने लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी के किनारे भारतीय सीमा के नजदीक टेंट गाड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने पूरे इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर साफ कर दिया कि घुसपैठ की हर हरकत को बेनकाब कर दिया जाएगा। भारत चीन में तनाव के बीच सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए 23 मई को आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख सीमा का दौरा किया और सीमा पर हालात का जायजा लिया था, साथ ही LAC पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा से सटे इलाकों में लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिससे किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सीमा पर से चीनी सैनिकों के घुसपैठ को नाकाम करने के लिए भारतीय सैनिकों ने 3400 किलोमीटर लंबी LAC पर तैनात सैनिकों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। निगरानी के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित सभी सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।